खत्म कर दूं, इनको थला के लाइन में फायर मार दूंगा। महीना, साल, मैदान, यहाँ तक की टीम भी बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है ना, तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला है जो नहीं थमा। ग्राउंड में जवाब दूंगा। ये जवाब देने नहीं गए हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, टी शर्टों पे साइन, बल्लों पे साइन और बॉलों पे साइन, और वहां से साड़ियां, बनारसी साड़ियां, और इंडिया से सामान खरीदने के लिए लिस्टें बना के लेके गए हैं। जिस पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए, 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक में नहीं जा सके, उसी बैटिंग पिच पर इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खुलकर रन बनाए, मुझे कह लेने दीजिए, खुलकर पिटाई की है। तो वहां पे भी कंट्रोल नहीं दिखा, छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, चौके पे चौके पड़ रहे हैं, और कोई सर पैर नहीं था, देखे, और बहुत फर्क डाल दिया भारत ने। जो बेचारो रड़तो रड़तो जाए छे, रड़ने दो। पाकिस्तान की टीम को धूल चटाएगी, इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, सारी शर्म तो बेच खाई। रोहित शर्मा ही पाकिस्तान की टीम पे भारी है, आज उसने वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगा दिए, आज उसने बैटिंग की, हमारी एक भी छक्का नहीं। देखिए तुम्हारी ऐसी भी तैयारी, कोई बनाओ बेघर का थी, कोई नेपाल नहीं जाएगा बेघर, ये बता रहा हूं मैं। हमारी बैटिंग में और भारत की बैटिंग में बड़ा फर्क है कि हमने जो है अब तक 3 मैच खेले, ठीक है, और 3 मैच में हमारे सिर्फ 9 छक्के लगे, और भारत के अगर आप देखें सिर्फ इसी मैच में उन्होंने 8 छक्के मारे। शर्म नहीं आती तुम लोग जिस तरह तुम लोग खेले आज का मैच, मुझे ये सारी शर्म तो बेच खाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अब देख रहे हैं भारतीय मीडिया टीवी, और भाई पाकिस्तान का दर्द कम नहीं हो रहा, पाकिस्तान मीडिया भाई स्टूडियो में ही रोने लग गया, और पाकिस्तान जब मैच शुरू होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब पाकिस्तान टीम को गाली दे रहा है, और पाकिस्तान को बहुत बुरा भला बोल रहा है, और पाकिस्तान मीडिया 8-0 की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो वीडियो देखते हैं और पाकिस्तान का फनी रिएक्शन देखते हैं, और आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर भी करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइड में एक रेड बटन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। एक महीना, साल, मैदान, यहाँ तक की टीम भी बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है ना, तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला है जो नहीं थमा। एक मरतबा फिर पूरी कौम ने उम्मीद लगाई, आज सजाई, जगह जगह स्क्रीन्स लगाई, लेकिन फिर से उम्मीद टूटी छोटी, और शायद कई जगह स्क्रीन्स भी टूटी होंगी, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम का भारत से हारने का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूट सका, और आज 8वीं मरतबा भी हमारी क्रिकेट टीम इंडियन टीम से हार गई है। अकेला रोहित शर्मा ही पाकिस्तान की टीम पे भारी है, आज उसने वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगा दिए, आज उसने बैटिंग की, हमारी एक भी छक्का नहीं। हमारी बैटिंग में और भारत की बैटिंग में बड़ा फर्क है कि हमने जो है अब तक 3 मैच खेले, ठीक है, और 3 मैच में हमारे सिर्फ 9 छक्के लगे, और भारत के अगर आप देखें सिर्फ इसी मैच में उन्होंने 8 छक्के मार दिए। अभी मैंने उनका निकाला नहीं है डेटा, तो भारत से मैच नहीं होगा, जब दोबारा इंशाल्लाह अगर हो गया टाकरा हमारा सेमीफाइनल, फिर मैं निकालूंगा। पाकिस्तान की टीम के साथ काम करना चाहिए वाला, आए सारे चढ़िया डाल के उनको मारे। आपको पता है वर्ल्ड कप में अभी तक का जो है इंडिया अनबीटन है अगेंस्ट पाकिस्तान, 8-0, दैट्स इट, 8 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप पे 1992 से, अगर बात करें 1992 से अब 2023 है, 8 मैचेस हुए हैं, 8 इंडिया जीत गया पाकिस्तान से। फिर इंडिया से क्यों नहीं जीत सकते, क्या वो अलग दुनिया से आए हुए हैं, हम भी वही है ना, हम चाहे उनके बस पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, इंडिया से ये लोग अलग ही डर जाते हैं, इनमें वो गट्स ही नहीं है कि ये लोग इंडिया को चेस कर पाए, हमें बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया इन लोगों ने, हर बार हमारा टाइम वेस्ट होता है, हर बार इनसे उम्मीदें लगाते हैं, और सिर्फ हम लोग ना उम्मीद होकर ही घर पे बैठे रहते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं घर में, ये होता है ये बना लो वो बना लो, लेकिन टीम हरा देती है सारा दिल खराब हो जाता है, हर बार ऐसे ही होता है। कब जीतेंगे वो दिन, कब आएगा जब हम इंडिया को हरा के जश्न मनाएंगे? नहीं आती तुम लोग जिस तरह तुम लोग खेले आज का मैच, मुझे ये बता दो कि क्या हो रहा था, समझा दो हमें, ठका लगा के बैठ जाते हो, ठीक है, रोहित शर्मा किस तरह बैटिंग कर रहा है, उसका कोई कंपैरिजन तुम लोगों के साथ, उसका कोई मैच ही नहीं है, वो बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है, इंडिया से मैच था, रातों को लोग सो नहीं रहे, लोग ये कह रहे हैं भाई टीम अच्छी है, मार देगी, हरा देगी, 7-1 कर देगी, इंडिया का बुरा हाल कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल क्लब क्रिकेट वाली टीम लगी यार, पैथेटिक किस्म की जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, कुलदीप यादव मैच के बाद बोल के चला गया, रोहित शर्मा को देखा कैसा खेलता है, कोई अक्ल समझ है, उससे बड़ा प्लेयर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में मेरी नजर में नहीं है। पाकिस्तान की इनिंग आई है 191, एक छक्का नहीं मारा रोहित शर्मा ने, शहीद साहब रिदिको से दूसरे ओवर की पहली बॉल पे 6 मार के उनका गुरूर तोड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी टीम को सबक लेना चाहिए इनसे, आपको बताया कर देनी चाहिए टीम, पाकिस्तानी टीम है इंडिया का बच्चा पूरा, यार मुझे तो बैट मैं क्यों खेलना आता है, इनसे अच्छा तो ये बैट पकड़ा है, इससे अच्छा तो हम खेल लेंगे, इधर टेप बॉल के प्लेयर हमने फिर भी हार्ड बॉल से अच्छी खेल लेंगे। सर ये ना शुरू से चलता आ रहा है कि रोहित शर्मा और जासिम के बाकी वगैरह सब प्लेयर हैं, इनके सामने इनकी वैसे फट जाती है। इस दिवाली पे
पाकिस्तान को ठोको 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 कमजोर रोल इंडिया के खिलाफ हम खेल क्यों नहीं पाते, हम जीत क्यों नहीं पाते, ये मुसलसल आठवीं बार शिकस्त है, क्या वजह है कि वर्ल्ड कप में हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते इनके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक पहले तो इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने पिछले साल दो साल से अपनी टीम को बिल्डअप किया है, वेस्टइंडीज में 5 ODI खेल के आए हैं, 2020 मैचेस खेल के आए हैं, पूरी टीम उन्होंने नई वहां पे भिजवाई थी ताकि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को वो देख सके कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हार और जीत का डर जब आप निकाल के ये फैसले करते हैं तो आपकी टीमें खड़ी हो जाती है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ। यही तो अफसोस है ना कि हर वर्ल्ड कप में हम इंडिया को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं, ये हमें कब मिलेगा, हम अपने आप को क्रेडिट कब देंगे। ये चीज मानना पड़ेगी, इंडिया चाहे लड़ा कश्मीर में लड़ा है, बट उसकी अच्छी है। अरे क्या बात कर रहे हैं, आई एम मुस्लिम, आई एम पाकिस्तानी। अच्छा जी, इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत आगे है, मोहब्बत पाकिस्तान से, सबसे खिलाड़ी पसंद से मोहब्बत है, बट इंडिया की टीम बेस्ट है। ये वर्ल्ड कप में आने वाले 20 साल के बाद ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं जीत सकता, जितने मैच जितने मीडिया टीवी पौने चार चार स्कोर चाहिए, 200 नहीं पूरा कर सके, क्रिकेट इनको गोली मार। कोहली के सामने T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच क्या जीत गए पाकिस्तान वाले, ये समझते हैं इंडिया हमारे मतलब लॉयल रन किया है, वर्ल्ड कप 1975 से लेकर अब तक एक दफा भी वर्ल्ड कप के अंदर मैच नहीं जीते, मैच खेल के बहुत फखर महसूस करते हैं, यहाँ पे इंडिया के साथ खेलेंगे तो पता चलेगा ना कौन बाप है। सर हमारी तो नंबर वन टीम है, हम बड़ा प्राउड करते हैं टीम में खत्म कर दूं इनको, खिलाड़ के लाइन में फायर मार दूंगा। ये बाकी दुख की बात है कि हम हर रोज, आज तो हम तैयार होके पहली दफा मैं और यूसुफ हम ग्रीन कपड़े पहन के ग्रीन वो सारा कुछ करके आज पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ आए हुए थे, मगर हैविंग सेड दैट पता क्या बात है, आई डोंट थिंक सो वी लर्न विद आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, उसकी वजह पता है क्या है कि एक रिपोर्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि पाकिस्तान मेक मिस्टेक्स एंड दे विल से दैट कि वी विल ट्राई टू नॉट टू मेक दैट मिस्टेक्स अगेन। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम हमारी बुरी टीम नहीं है, अभी होप हमने छोड़नी नहीं है, जब तक वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हो जाए ये तो पक्की की बात है, बट योर क्वेश्चन इज वैलिड, हम इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं निकल सके वो शेल से, इसकी वजह कुछ है, मेरा ख्याल है हम आई बिलीव कि हम डर की वजह से हमारा इंटेंट चेंज हो जाता है। रवि बिश्नोई सही कहता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का उड़ाना है, सही कहता है, बेशक उसे अपने भाई को छुड़वा रहा है लेकिन वो पाकिस्तानी टीम से खुद नफरत करता है, मैंगो टीम है ये, सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया, उम्मीदें रखता कौन है जो इन्होंने उम्मीदों में पानी फेरना, उम्मीदें रखता कौन है। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह इंडिया टीम खेलती है ना और जो अप्रोच है इनकी, इसी टीम को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इसी टीम को जीतना, गंदे खिलाड़ी है ये, है क्या ये, क्या बाबर आजम, बाबर आजम बाबर क्या है इसकी, 10 सेंचुरी है इसकी, है बाबर आजम गंदा खिलाड़ी, दुनिया का गंदा तरीन खिलाड़ी क्या ये, और छोड़े ही कप्तान खाना खा करके खड़ी है, टीमों में वहां बैठी हुई है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों नहीं मस्त हमारी जा करके आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्या करके रहे घुस कर मार के आएंगे, ये घर में घुसने वाली बात है नहीं, क्या तबियत है सारी कौन पर खाली बना हुआ, ये खजी आ गया रहे हैं मैच में, मैंने कमी में देख रही मैच जब ये तो हो जाए इंडिया का मैच में देख लेता हूँ, वो भी आज मैं दिल तोड़ रही है, बच्चों को होटल लेके जाना, रेस्टोरेंट लेके जाना, खाना खाने छोड़ दिया, मेरे आज भी जाना है स्पेशली मैं रोहित शर्मा को कांग्रेचुलेशन करूंगा, जिस तरह उनकी फॉर्म वापस आई है और पहले अफगानिस्तान को उन्होंने धोया सर्फ एक्सेल में लगा के अब एरियल में हमें डाल दिया है, तो उन्होंने तो मुझे लगता है ये सर्फों की कंपनी खरीद ली है, हर टीम को नए नए सर्फ में डाल के धो रहे हैं, और बुमराह को मैं स्पेशली कांग्रेचुलेशन करूंगा जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करवाई है, 7 ओवर दे के 7 ओवर करवा के सिर्फ 19 स्कोर दिया है और जबरदस्त बॉलिंग करवाई है कुलदीप ने, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी आला थी, हमारे वालों को चाहिए था छोड़ के आ जाए।